हेलो जी, तो जैसा कि कल मैंने आपको बोला था पिज़्ज़ा के लिए, तो आज हम चार लोग निकल पड़े नई लोकेशन के लिए, घर से 15 किलोमीटर दूर बेस कैंप ऋषिकेश की वादियों में। और अब लोकेशन तक पहुंचने के लिए करनी थी पहाड़ों की मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज ट्रैकिंग, और जगह वाकई में हिडन प्लेस थी जहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। ऋषिकेश के हिडन या सीक्रेट वाटरफॉल की तरह नहीं, जहाँ पहले से ही 100 लोग जमा हों। ट्रैक करते हुए और गंगा जी के नज़ारे लेते हुए हम कब लोकेशन पर पहुंचे पता ही नहीं चला। ट्रैक भी ऐसा कि मानो ऋषिकेश में होकर भी ऋषिकेश से अलग लग रहा था। तो 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे, जो था एक मड हाउस। बाहर से तो मड हाउस था, पर अंदर से ऐसा कि इसके आगे 5-स्टार होटल भी फेल था। 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो सोचा नहीं था कि इस तरह अपग्रेड होगा कि यहीं रहने का मन होने लगे। तो हमने ओवन जलाकर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू की। ये वुड ओवन था और इसमें बना हुआ पिज़्ज़ा सही में बड़े से बड़े ब्रांड के पिज़्ज़ा को फील करते। वैसे तो मैं कभी अपने खाने की तारीफ़ नहीं करता, पर आज पिज़्ज़ा सबको इतना पसंद आया कि मुझे भी लगा कि हाँ, वाकई में बना तो अच्छा ही है। इतनी प्यारी लोकेशन और पिज़्ज़ा इंजॉय करने के बाद हम भी घर की ओर चल पड़े। वीडियो तो 1-2 दिन में आ ही जाएगी, तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा ये मिनी ब्लॉग, जिसमें कि आपको फूड और नेचर को इंजॉय करने का एक्सपीरियंस एक साथ मिला हो। थैंक यू।